हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम एंड 4.0 का एग्ज़ाम जो है इलेक्शन के बाद होना है। बीपीएससी टीआरई 3 का आपको पता है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, कोई बैठक नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुआ, और वैसे भी आपको पता है आज 9 हो चुका है, अब पेपर होने की कोई संभावना नहीं है। आपके जो पेपर्स होने हैं टीआरई 3 का, वो आपका जून के लास्ट तक हो जाएगा, एंड आपका 4.0 भी ये लोग इसी साल कंप्लीट करवा लेंगे। तो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि आखिर में जीके जीएस की तैयारी कैसे करें, क्योंकि आप जानते हैं कि टीआरई 3 में जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, चाहे सीटेट बीए डीएड के, और वही अप्लाई कर सकते हैं, बट 4.0 में सीटेट जो जुलाई वाले हैं वो भी अप्लाई करेंगे। सीटेट जुलाई वाले भी 4.0 में आपको 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी पे भर्ती देखने को मिलेगी, 1 लाख के आसपास, और इसकी घोषणा पहले ही के पाठक सर के द्वारा जो है किया जा चुका है। आपने देखा होगा वो ट्विटर पे ही वीडियोज वगैरह आई थी। तो अब मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बताने वाली हूँ कि आखिर में आप जीके जीएस की तैयारी कैसे करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने सब्जेक्ट भी अच्छे से कर लेते हो, बट ये जो जीएस है काफ़ी ब्रॉड होता है, और अभी ये जो समय है आपको उसको यूटिलाइज करना है, इसकी तैयारी आपको अच्छी करनी है। देखिए, जो लोग टीआरई 3 का जिसका बस पेपर है वो तो उसको पढ़ते रहेंगे, बट सीटेट वालों को तो सीटेट के साथ साथ बीपीएससी की भी तैयारी साथ में करनी चाहिए, ताकि जब भी भर्ती आए आपका सिलेक्शन सबसे पहले हो जाए। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है, अगर आप 1 से 5 में जो है अप्लाई करेंगे, या फिर 6 to 8 में, या फिर बोथ, क्योंकि डीएलएड वाले दोनों में जा सकते हैं और बीएड वाले केवल 6 to 8 में। तो आपको पता है कि 1 to 5 में आपका 30 नंबर की लैंग्वेज होती है, और आपका जो है जीके जीएस, मतलब कि इसमें सब कुछ होता है, मिक्स होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका साइंस वगैरह सब कुछ, वो 120 नंबर का होता है। वहीं पे आपका 6 to 8 में इसका वेटेज कम हो जाता है, जीएस 40 नंबर का आता है और 80 नंबर का आपका विषय आता है, बट फिर भी लोग विषय में नंबर स्कोर कर लेते हैं, जीएस में नहीं आ पाता है, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि कहां से जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बीपीएससी टीआरई 3 के जो क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ है, इसके पहले टीआरई 1, टीआरई 2 सबको एनालिसिस करने के बाद से मैं आपको जो चीजें बता रही हूं, अगर आपने उसको सच में फॉलो किया तो आपका बीपीएससी टीआरई 3 एंड 4 दोनों ही जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए कि इसकी तैयारी करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब पीवाईक्यू जो हैं, उसको एनालाइज कर लो, एक बार देख लो कि अच्छा, चाहे वो 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, कि कितने कितने नंबर के कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब उससे क्या होगा कि आपको पैटर्न का एक आइडिया लग जाएगा, बस एक देखना, उसके बाद से आपको पता है कि ऑलरेडी बताया गया है कि आपका एनसीईआरटी एंड आपका एससीईआरटी, इन्हीं किताबों से आपका जो है क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपने एनसीईआरटी एससीईआरटी की किताबों को इग्नोर करके केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, केवल यूट्यूब पे इधर उधर के क्वेश्चंस देख के अगर आप ये सोचते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जिन लोगों ने भी एनसीईआरटी की किताबें नहीं पढ़ी उनका तो सीटेट नहीं निकला, तो बीपीएससी तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने टॉपिक समझ लिया, अब आपको क्लास 6 से स्टार्ट करना है। क्लास 6 से आप जो है, अगर आप मान लीजिए 1 to 5 में है, तो भी आपको थोड़ा सा हायर लेवल की प्रिपरेशन करके चलना है। मान लीजिए आप 9 से 9 या 10 तक की सारी किताबें आप पढ़ लीजिए, 6 से लेकर 10 तक की, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ थोड़े से टफ पूछे जाते हैं, जो कि ऑब्वियस बात है थोड़ा सा हायर लेवल वाली किताबों से पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप पहले क्या करो, एनसीईआरटी की किताब उठाओ, और मान लीजिए आपका विषय है मैथ साइंस है या फिर सोशल साइंस है, आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सीटेट में भी, मान लीजिए आपका पेपर 2 में मैथ साइंस है, आपका सोशल साइंस है, तो अगर आप वो चीज़ पढ़ रहे हो ना, तो सीटेट के साथ साथ आपका बीपीएससी भी क्लियर होगा। तो मान लीजिए आपने एनसीईआरटी कवर कर ली, सबको पढ़ना है, जीके जीएस के लिए आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों पढ़नी है, और खुद से शॉर्ट नोट्स बनाना है। अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो 3 बजे डेली क्लासेस होती हैं बीपीएससी टीआरई 3 एंड 4 की, जिसमें हम मेनली किताब पे ही फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले हम चैप्टर वाइज, मैंने एससीईआरटी की जो है क्लास 6 से स्टार्ट किया है, 3 चैप्टर हो चुके हैं, कल हमारा चौथा चैप्टर है, और टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ वगैरह देती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपने एनसीईआरटी भी कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपको बिहार स्टेट में जो किताबें होती हैं ना, बीपीएससी का पेपर है, जैसे कि कोई भी स्टेट वाले जो एग्जाम्स कराते हैं, तो अपनी जो स्टेट में जो बुक्स चलती है ना, वहां से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको एससीईआरटी किताबों से भी पढ़ना है। ये भी आपको क्लास 6 से स्टार्ट करना है 10 तक, तो इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी वहाँ की किताबें, अगर आप उसको सच में अच्छे से पढ़ के नोट्स बनाते हैं, उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करें, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें, आपका जीके जीएस 120 एंड यहाँ पर 6 to 8, 40 नंबर आराम से आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप साइंस भी पढ़ लेंगे, आप यहाँ पे एसएसटी भी पढ़ लेंगे, एससीईआरटी में भी आप साइंस भी पढ़ रहे हैं, एसएसटी भी पढ़ रहे हैं, तो एक मेजर पोर्शन आपका कवर हो रहा है। उसके बाद आपका मैथ रीजनिंग है, उसमें तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है,
तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है तो अच्छे से आपके मार्क्स आ जाएंगे। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग, मैं देख रही हूँ खुद, कि वो एनसीईआरटी एससीईआरटी को छोड़कर बस वो चाहते हैं कि कुछ शॉर्ट में चीज़ें मिल जाएं, मतलब बनी बनाई मिल जाए, बस क्वेश्चंस वो सॉल्व करते रहें। उससे आपको क्या होगा कि आपको अच्छा तो बहुत लगेगा कि अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहेंगे, क्वेश्चन पेपर होगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछा है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी एससीईआरटी नहीं पढ़ी है। तो अगर आप हमारे क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो 3 बजे की डेली क्लासेस होती हैं, प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है मैंने TRE 3 और 4 का, डेली आप 3 बजे क्लास जरूर देखो। और PDF वगैरह की चिंता मत करना, टेलीग्राम पे PDF भी देती हूँ, ठीक है। तो एक बार एससीईआरटी कंप्लीट हो जाए, एनसीईआरटी ऑलरेडी GS वाला मैंने कराया ही है, दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास समय है। आप खुद सोचिए कि TRE 3 आपका जून लास्ट में होना है, आपके पास अप्रैल मई 2 महीने का समय है। इस 2 महीने में आप पूरी किताबों का, मतलब कहा जाता है ना कि एक इतनी बार रिवीजन कर लो कि कोई अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ, ये किस चैप्टर का है, तो आप पेज नंबर भी बता सकें। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने सारी किताबें अच्छे से पढ़ ली हैं, उसके बाद आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करना है, और सबसे पहले आप BPSC ने जो पेपर कराए हैं TRE 1 TRE 2 TRE 3 वो कर लीजिएगा, उसके बाद से BPSC हेडमास्टर जो भी पहले पेपर लिए गए हैं BPSC के द्वारा, उनको आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि एक तो पहले आपका कंटेंट पूरा अच्छे से तैयार हो चुका है, अब जब भी आप PYQ करोगे तो आपको क्वेश्चंस भी आएंगे, उसके बाद से जो क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आ रहे हैं, आप उन टॉपिक्स को नोट करके दोबारा से पढ़ेंगे। तो आपको एक बहुत जो एक होता है ना कि एग्जामिनेशन एग्जाम के पहले जो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है कि हमसे तो हो ही नहीं रहा है, ये वाली चीज़ें नहीं आएंगी। और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद, इसके अलावा मार्केट की आपको कोई किताब नहीं लेनी है, और ये फ्री में ही आपको मिलता है, इसके लिए आपको पैसे भी नहीं देने हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। टाइम टू टाइम मैं आपको सारी चीज़ें बताती रहूंगी, और क्लासेस में आपने देखा होगा कि जब हम SCRT किताब को पढ़ रहे हैं, बिहार की जो SCRT की किताबें होती हैं, उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपको NCERT में नहीं मिलेगा, और मेनली GS के क्वेश्चंस SCRT से ही आते हैं। एंड एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, आप जो नए स्टूडेंट्स हैं 4.0 के, वो बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो यही तो बेनिफिट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी चीज़ की वैकेंसीज आपको 1 लाख के आसपास 4 तक देखने को मिलेगा, इसके बाद से भर्तियों की संख्या भी कम हो जाएगी। कॉम्पिटिशन तो आप देख ही सकते हैं कि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, क्योंकि बेरोजगारी, कहीं पर भर्ती निकल ही नहीं रही है। बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर वैकेंसीज निकल रही है, तो हर एक स्टेट के बच्चे भी चाहते हैं कि हम वहां पर जाएं और एग्जाम दें, तो इस चीज़ का फायदा उठाएं। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हुआ है 1-5 में, बट वो 6-8 में के लिए जाना चाहते हैं, तो आपका कॉम्पिटिशन अब उनसे नहीं है जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, उनसे है कि जो बार बार एग्जाम दिए हुए हैं, किसी का 1 नंबर से नहीं हुआ, किसी का सप्लीमेंट्री में नहीं हुआ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बस यही चीज़ है कि ये जो समय मिला है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग एनसीईआरटी एससीईआरटी को पढ़ना ही नहीं चाहते, उनको बोरिंग सा लगने लगता है कि अरे इसमें से क्या पढ़ें, तो इसके लिए आप क्लासेस देखिए, वहाँ से आपको खुद समझ में आएगा। वहाँ पर मैं खुद आपको बताती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आपको सच में अच्छा लगेगा। और एक बार आपकी ये सीरीज कंप्लीट हो गई, देन कोई टेंशन नहीं है, आपका 3 में ही सिलेक्शन हो जाएगा, 4 तक जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जो भी कॉन्टेंट होंगे आपका 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 सब में काम आने वाला है, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्लासेस वगैरह यहाँ से आपको मिलती रहेंगी। एंड जो भी डाउट्स होंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।